जे बिहार के रहले, उनका नाम रहे चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी। क्या बात है। उनके संगीत निर्देशन में बनल कुछ खास गाना, जैसे भाभी फिल्म के वो गाना होके कि चल उड़ जा रे पंछी की अब तेरा देश हुआ बेगाना, वो गाना होके चाहे चली चली रे पतंग मेरी चली रे, आज भी जब वो गाना के अगर हमन के याद कर जाओ तो ना चाहते हुए भी हमन के आंख से आंसू निकले। एक गाना तौर ना भुलाल जा सकेला। कौन गाना? अरे गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा द देवी मैया। इतने नहीं खे, वो भोजपुरी फिल्म में कई गो फिल्म के म्यूजिक भी देले बाना, जैसे रुआ कहानी है वैसे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो रहे, लागी ना ही छूटे रामा रहे, और गंगा किनारे मोरा गांव जो नवे आप गाना सुनौनी है। तो ऐसन संगीतकार के जोन योगदान बाटे, चाहे वो भारतीय सिनेमा में होके चाहे भोजपुरी सिनेमा में, कभी भी ना भुलावल जा सके। भैया हम यश कुमार है मंच सुरवीर संगीत के महासंग्राम के मंच से सत सत नमन करतानी वो महान संगीतकार के। क्या बात है यश जी, कितनी अच्छे से आपने व्याख्या की है लोक संगीत की जी। महासंग्राम में भैया जंग छिड़ गल बटे, युद्ध छिड़ गल बटे, एक दूसरा के प्रति जे जे आमने सामने बटे, वो में बाने उत्तर प्रदेश के महारथी, तो सामने बाने बिहार और झारखंड के सुरमा लोग। उत्तर प्रदेश के सेनापति जहाँ एकदम शांत स्वभाव के बैठल बानी राजेश गुप्ता जी, कूल एंड कूल एंड कूल, वही जा गर्म मिजाजी और चेहरा पे एगो कुटिल मुस्कान लेकर के कुर्सी पर विराजमान बानी धनंजय मिश्रा जी। धनंजय जी, हमरा सब बुझा रहल बटे के रुआ काहे मुस्कुराता नहीं, लेकिन जान लें कि राजेश गुप्ता जी की सेना के कम आकल बहुत अच्छी बात नहीं बा। दुश्मन के कभी कम ना अकेला हूं। ये जंग बड़ा दिलचस्प होत जाई, जैसे जैसे हमन के एपिसोड आगे बढ़ी, जैसे जैसे हमन का कदम आगे बढ़ी, ये एपिसोड, ये प्रोग्राम, ये सुरवीर संगीत के महासंग्राम और भी दिलचस्प बन जाई। अब हम बुलावे जा रहल बानी, बिल्कुल बुलावल जाओ विनीत के। बहुत बहुत शुभकामना बाटे तोहरा के, ढेर सारी शुभकामना, जय हो विजय। बहुत अच्छा करेगा। हिच
एकरा के कहल जाला बाबू जीवनदान, पूरा निर्णायक मंडल तोहरा ओर से बाटे। और धनंजय जी बेशक आवाज उठौनी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से उहो के चाहत रहनी है कि तू बढ़िया से परफॉर्म कर कैल है। मन के जानल जी अपने निर्णायक मंडल से और सबसे पहले अपने गुरु माँ से क्या कहती है। हर बार जब ये गाना शुरू करते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है, इतनी सी नन्ही सी जान और कैसे गा लेता है। तो आज भी कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत ही मज़ेदार गाना। आज हम इन लोगों का नंबर नहीं देंगे, सस्पेंस आपको तो मालूम है कि हम लोगों को सस्पेंस रखने की आदत है, उस आदत को हम कैसे छोड़ सकते हैं। इस परंपरा को निभाते आए हैं, निभाते आगे तक बढ़ेंगे। जानेंगे अपने पितामह से, पितामह क्या कहते हैं। बहुत अच्छे विनीत, शुरुआत में थोड़े से डगमगाए थे, शुरुआत में कुछ थोड़ा सा घबराहट थी, कुछ ओपनिंग बराबर नहीं थी आपकी, लेकिन अंतर के बाद जब आपने वापस जब मुखड़ा गाया तो आप फुल फॉर्म में थे, फुल फॉर्म में एंड तक। अब बढ़ते हैं हमारी सेलिब्रिटी जज की तरफ, यानी शारदा जी की तरफ। बहुत अच्छा गाया विनीत ने, बहुत छोटा, और मुझे भी ताज्जुब हो रहा था, वो प्रयास कर रहा था। वो शुरू की बात जो आपने कही वो बिल्कुल सही, पर तुमने संभाल लिया बाद में जाके, और बहुत ही सॉलिड जवाब ने, बहुत ही अच्छा गया, बहुत बढ़िया। जय सुर।